कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिसका महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग जाते नहीं हैं या उन्हें जानकारी नहीं है। एक स्थान है जो रायगढ़ और उड़ीसा के सीमा रेखा पर है, ये रोड दिखाई दे रहा है जहाँ तक मार्किंग है, ये उड़ीसा की सड़क है और ये बिना मार्किंग जो है ये छत्तीसगढ़ की सड़क है। रायगढ़ से लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर सकरबोगा नाम का एक गांव है। यहाँ पर आप ही प्रमुख है, सब देख रेख करते हैं क्या? वो बाबा जी थे, वो गए उसके पास, ये देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम कृतार्थ सा है, मेरा गांव झारगांव है, आदिकाल का बात है जी। इसमें दो, एक बुढ़ा एक बूढ़ी दोनों मिलकर के ये गोरस बेचने जाते थे, हमारे सकरबोगा कुसुमपाली वगैरह वगैरह। अच्छा, तो वो बुढ़िया आ जाती थी कभी कभी, तो गैप देखा बुढ़िया को, तो उसका जो दही गोरस था, यहाँ एक गुम्फा है थोड़ी सी आगे में सकर हुआ जाते ही सामने मुड़ा के किनारे में, उस गुम्फा पे वो सर्प था, सांप, जो सांपखंड के नाम है वो सांप एक जो था वहाँ। अब वहीं से उसके बगल में जो रास्ता है, वो रास्ते में जाते समय में वो वहीं से लेकर के उसको खाद लेता था, गोरस दही को। हाँ। दो तीन बार खा लिया तो बुढ़िया बोली जे क्या हो गया तुम्हारे, कभी कभी एक भी पैसा नहीं लाते हो? नहीं, ऐसा ऐसा बात है, एक तो सांप निकलता है और मैं बो के जाता हूँ तो उसको खा के चला जाता है, ऊपर ऊपर से खा लेता है चला जाता है। तो बुढ़िया बूढ़ा दोनों विचार किए, एक उपाय किए, वो दोनों विचार के हम लोग गोरसी कहते हैं, उमाई जो निया रखते हैं, उसको निया जला के कढ़ाई में उसको उसके ऊपर वो गोरस को रख लिया, गोरस उबाल रहा था, अब उसको मूड में कपड़ा उपड़ा दे के उसको बहुते आगे बढ़ाई यहाँ से वो निया जला के, तो सांप उधर से हर दिन उसका नजर था, आते आते वो गोरस को सूस लिया, जैसे खा लिया तो गरम था, हाइट गरम था, वहीं से निकाल के पड़ गया सामने में। अच्छा। तो बूढ़ा जो था उस समय का बात है, वो सात खड़ कर लिया उसको, सांप को सात खड़ कर लिया। मेरा नाम राधेश्याम बिस्वाल है, जब से मेरा बुद्धि हुआ तब से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लिए अभी ये मंदिर निर्माण के लिए हम लोग सब पूरा समिति भिड़े हुए हैं और चंदा उंदा इकट्ठा करके ये मंदिर निर्माण के लिए लगे हुए हैं अभी, कोई इच्छा चंदा। मेरा नाम सुभाष कुमार साहब, गांव सकरबोगा से। जब 9वीं क्लास में महापल्ली स्कूल में पढ़ता था तब हम लोग घर का भैंस चराने आते थे जी। तब जो है कि लोग सियाना लोग बोलते थे कि ये माँ साहब खंडिन है, यहाँ एक पत्थर चढ़ाया जाता है, एक पेड़ पौधे का डगाल चढ़ाया जाता है और दूसरा कुछ चढ़ाया नहीं जाता। तो ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ये फैला हुआ है और इसको हम लोग जब से आप जानते हैं, लगभग हमारे बाप दादा 100-150 साल से जो किंवदंती कथा है, ये उनका मुंडी है, मना सिर जो है। अच्छा, अग्र जो है ये है, इनको हम लोग पूजा करते हैं। जैसे ये वाला जो है ये मुंह है उसका, ये आँख है ऊपर, है ना, और ये पीछे का ये कटा हुआ हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है, पूरा सांप का मुंह जैसा दिख रहा है।
पत्थर नहीं डालोगे कुछ नहीं डालोगे, जैसे पत्थर कुछ भी डालते हैं ना तो नहीं डालोगे ना तो ऑटोमेटिक गाड़ी बिगड़ जाएगा आपका, मतलब कुछ भी ले जाओगे मतलब विघ्न होना चाहिए ना, या कुछ भी श्रद्धा से कुछ भी डाल दो, मांग थोड़ी रहे भगवान की, डाल दो अपना और चले जाओ, कोई मतलब नहीं। शेर भालू सब था भी पहले, ये रोड कुछ नहीं, ये सड़क नहीं था, ऐसा मतलब विश्वास कर ऐसे गड्ढा गड्ढा बताते हैं, जैसे पूर्वज लोग बता, हम लोग क्या देखे की हम लोग पहले भी सांपखंड आ चुके हैं, उस समय यहाँ पर जो शहर का हिस्सा है सात खंडों में से जो पहला हिस्सा है सर का, वहाँ पर दर्शन किए थे और कुछ बाकी हिस्सों को भी जाकर देखे थे, लेकिन इस बार हम बाकी जो छह और भी हिस्से हैं वहाँ पर जाके देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर है और कैसे हैं, उसके साथ ही वह स्थान भी देखेंगे जिस बिल से सांप निकल कर आता था। हमारे सांपखंड माँ के जो बीच का हिस्सा रहता है पीठ वो है, ये मिट्टी उसके पीछे नहीं था, ये रेलवे वाले अभी पीछे तरफ मिट्टी डाल दिए हैं, ये एक तो बीच का टुकड़ा है काफी बड़ा। ये चौथा टुकड़ा है, ये चौथा टुकड़ा है। ये छठवां हिस्सा है, ये दो टुकड़े हैं यहाँ पर। ये सातवां टुकड़ा है, ये आखिरी का पूंछ का हिस्सा है, इसलिए थोड़ा साइज में छोटा है। अभी हम लोग वहां पर पहुंचे जहां पर ऊपर पहाड़ के ऊपर बिल है, दो चट्टान के बीच में गैप टाइप का नहीं दिख रहा है, बिल साइज का यहाँ जो पहाड़ दिख रहा है और सारी टाइप के वहाँ बिल है, वहीं से निकलता था वो सांप। सातों हिस्सा देख के मन खुश हो गया, यहाँ बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि जो अभी मतलब पूजा चल रहा है, अभी चलेगा स्टार्ट होगा अभी, मतलब नौ दिन पूरा भंडारा, दसवां दिन रावण दहन, और जो भी अपना पूरा जैसे चलता है राम सीता बन के आते हैं, लक्ष्मण जो भी अपना वध करने के लिए पूरा इधर से निकलता है टोली, इधर के छत्तीसगढ़ से आते हैं, उड़ीसा दोनों साइड से आते हैं, 10 से 15 हज़ार आदमी यहाँ पर पूरा जम जाते हैं अपने दसवीं के दिन। आज की हमारी सांपखंड की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।